अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी ट्राउज़र डिज़ाइन, कटवर्क डिज़ाइन शेयर करूंगी आप सबके साथ। कटवर्क डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बना लेना है। बुकरम पर डिज़ाइन बनाने के लिए आप किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये स्टेंसिल लिया है, इसकी मदद से आपके जितने भी कट्स हैं वो इक्वल बनेंगे। पाइंचे को जितना खुला रखना है उस हिसाब से मैंने बुकरम की लंबाई कट करके फिर मैंने उस पर कट्स बना लिए हैं और इस तरह मैंने दो कट कर लिए हैं, ठीक है। और अब मैं किसी भी एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको चिपका लूँगी। आयरन की हेल्प से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको चिपका लिया है। अब ट्राउज़र की फ्रंट साइड पर हमें सबसे पहले बुकरम को रखना है जिसको हमने चिपका लिया था कपड़े के ऊपर, और जिस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाना है नीचे की तरफ कट्स बनाने हैं तो हमने उस तरीके से रख के अब एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों पाइंचों पर मैंने सीधी तरफ बुकरम को रख कर सिलाई लगा ली है, बहुत ही एहतियात से सिलाई लगानी है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट्स की शेप में ही हमने कट करना है। चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है और उसके बाद हर कट के मिड में एक एक बारीक सा कट लगा लिया है, लेकिन कट बहुत एहतियात से लगाना है कि सिलाई ना कट जाए। और ये कट लगाने का मकसद ये है कि डिज़ाइन में नफासत आ जाए। इस तरीके से अब हम कट्स को सीधा कर लेंगे। ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी है, अब हम कट्स के साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी फोल्ड करके यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है और मैंने इसके ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा ली है और नीचे भी कट्स पे सिलाई लगा दी है। ये आप देख सकते हैं, इसकी फाइनल लुक बहुत ही अच्छा बन गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।